धन्य जी, सर एक बार वापसी बताना कहाँ से मिल जाएगा डेटा। डेटा आपको कहाँ से मिलेगा? क्लासरूम से। कहाँ से मिलेगा? क्लासरूम से मिलेगा, ठीक है, क्लासरूम तो से सर ये डेटा। वही क्लासरूम है ना जो हमारे ना पहले वाले सर ने जो बनाई थी? यार ये मैंने अभी नई क्लासरूम बनाई है और आपको डेटा भी अभी सेंड किया है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी ऑनलाइन भी हूँ, आपकी क्लास के बाद मेरी एक और क्लास है, तो 9:30 बजे तक फिर हम डिस्कस कर लेंगे भाई किसको डेटा मिला है किसको डेटा नहीं मिला, ठीक है। सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, इंटरेक्टिव सेशन होगा आज का। इंटरेक्टिव से मुराद है मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप मुझे उसके जवाब जरूर देंगे, ठीक है, ताकि मुझे पता चले आपका स्किल सेट क्या है। स्किल सेट के हिसाब से शुरू करेंगे, असाइनमेंट्स होंगे और इंशाल्लाह जल्दी कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ पढ़ लीजिएगा ये, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इला इल्ला अंता। आज की जो डेट है वो 4 अप्रैल 2020। क्लास जो है हमारी वेब डिज़ाइनिंग की है और जो हमारा बैच है वो 2001F है, ठीक है। तो 2001F अगर हमारा बैच है, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन 2001F से ये है कि काइंडली मुझे ये बताइएगा कि बेसिकली वेब डिजाइनिंग से मुराद क्या है, क्या है वेब डिजाइनिंग, क्या आपको पता है इस बारे में? मैं ड्राइंग करता जाऊंगा भाई, जल्दी जल्दी बताएं भाई क्या मुराद है वेब डिजाइनिंग से। चले मैं ही बता देता हूँ टाइम बचाने के लिए, ये बेसिकली वेब डिजाइनिंग से मुराद है कि हम किस तरह से एक वेबसाइट को बनाते हैं, ठीक है। अब जब वेबसाइट हम बनाते हैं, जी बिल्कुल, जब हम वेबसाइट को बनाते हैं तो हमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हमें ज़रूरत पड़ती है जिसके ज़रिए हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। अगर मैं अपनी वेबसाइट को बनाना चाहूँ तो जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को मुझे बनाना होगा उसके अंदर जो सबसे पहले मैं जिस लैंग्वेज का नाम लिखूंगा दैट इज़ HTML, दूसरी लैंग्वेज का जब मैं नाम लिखूंगा तो लिखूंगा CSS, और तीसरी लैंग्वेज का नाम लिखूंगा JavaScript। ये तीन लैंग्वेजेस हैं जिनका आना हमें ज़रूरी है। अगर मैं HTML की बात करूं तो बेसिकली HTML हम जो वेबसाइट का यानी वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। इससे क्या डिफाइन करते हैं हम? इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। अगर मैं CSS की बात करूं तो बेसिकली ये स्टाइलिंग के लिए होती है, और अगर मैं JavaScript की बात करूं तो ये एक्शन परफॉर्म करती है, एक्शन। ये तीनों चीज़ें मैं अलग अलग समझाऊंगा, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर लैंग्वेज सीख रहा हूं तो इससे मुराद है कि जो HTML है मेरी ये कैसी लैंग्वेज है? मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज। अब सवाल ही आता है मार्कअप लैंग्वेज से मुराद क्या है। हाँ भाई, क्या मुराद है मार्कअप लैंग्वेज से? हाँ भाई, कोई आइडिया? व्हाट इज एन आइडिया? कायदे आजम के ऊपर मजमून आ रहा है एग्जाम्स में, है भाई? कायदे आजम के ऊपर क्या आ रहा है? एक अदद मजमून आ रहा है आपके एग्जाम में। तो आप क्या करते हैं? कायदे आजम की मजमून की हेडिंग्स याद कर लेते हैं, ऐसे ही करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना, कायदे आजम के मजमून की क्या आप याद कर लेते हैं? हेडिंग्स याद कर लेते हैं। तो इसी तरह से जो HTML है ना, मार्कअप लैंग्वेज है, इसके अंदर कुछ हेडिंग्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं? टैग्स कहते हैं। HTML की जो हेडिंग्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? टैग्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये टैग्स हमें पता है तो हम HTML सीख गए, ठीक है। अगर हमें सारे टैग्स पता है तो हमें HTML आ गई, और फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अब होता ये है कि सब कायदे आजम के ऊपर मजमून याद करते हैं, किसी के अच्छे नंबर आते हैं और किसी के नंबर जो है बस सो आते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह क्या होती है कि वो प्रॉपरली अपने स्ट्रक्चर को प्रॉपरली पेपर में प्रेजेंट नहीं कर पाते। यही हमारे साथ HTML में होता है कि अगर हमें सही तरह से मार्कअप स्ट्रक्चर आ गया तो हम पेजेस को स्ट्रक्चर करने पे रेडी हो जाते हैं और हम एक अच्छा स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ CSS की, CSS को हम कहते हैं ये रूल बेस्ड लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? रूल बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। और जब इस लैंग्वेज को लिखेंगे ना तो इसकी जो सेंटेक्स होता है, इसके सेंटेक्स के तीन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है प्रॉपर्टी, कॉलन आता है उसके बाद। तीसरा हिस्सा, दूसरा हिस्सा होता है वैल्यू, और आखिर में इसके लगता है सेमी कॉलन। ये इसका सेंटेक्स है। ये टैग बेस्ड लैंग्वेज है, ये रूल बेस्ड लैंग्वेज है। अगर मैं आ जाऊं कहां पर? लास्ट वाले पे, जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट हमारे पास जो है ना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी और प्रोसीजर ओरिएंटेड भी लैंग्वेज है। ये एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी प्रोग्रामिंग स्टाइल मौजूद है कि किस तरह से हम इसको स्टाइल करते हैं लैंग्वेज को, और हम कहते हैं ये ऊप यानी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है कि हम ऑब्जेक्ट के जरिए काम करते हैं, और या फिर हम कहते हैं कि हमारी कैसी लैंग्वेज है? ये हमारी प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, या फिर हमारी
ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोसीजर बेस्ड या प्रोसीजर ओरिएंटेड या प्रोसीजर बेस्ड लैंग्वेज है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर होता है तीनों चीजों का, ठीक है। ये मैंने ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की, तो इसका मतलब है वेब डिजाइनिंग के अंदर आप बारी बारी सबको सीखेंगे और सब एक साथ इस्तेमाल होती है तो आपका आउटपुट बनता है, ठीक है। तो आपने HTML भी आनी चाहिए, आपको CSS भी आनी चाहिए, आपको JavaScript भी आनी चाहिए। क्लियर है भाई यहाँ तक? मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अब थोड़ा सा मैं आपको लेके जाता हूँ इसकी एग्जाम्पल की तरफ, इतफाक से मेरे पास एग्जाम्पल मौजूद है तो मैंने कहा मैं आपको दिखा भी दूंगा। बैक करता हूँ, दिस वन इज एन एग्जाम्पल, देखते हैं भाई इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक एग्जाम्पल मौजूद है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर मुझे तीन चीजें देखनी है, HTML देखना है, इसके अंदर CSS भी मौजूद है और इसके अंदर JavaScript भी मौजूद है, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, ये जो लिखा हुआ है ये मैंने कैसे लिखा होगा? किसी HTML टैग के थ्रू। ये जो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है ये मैंने कैसे बनाई होगी? किसी HTML टैग के थ्रू। ये जो मैंने यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है ये कैसे बनाया हुआ होगा? किसी HTML टैग के थ्रू। ये जो मैंने इमेज लगाई हुई है कैसे लगाई हुई होगी? किसी HTML टैग के थ्रू। लेकिन अभी देखो JavaScript को, JavaScript को अगर मैं देखूं तो देखो मैंने जैसे इसको चेंज किया तो यहाँ पर डायनेमिकली देखो डेटा नजर आना शुरू हो गया। पिक्चर चेंज नहीं हुई, कोई बात नहीं, अब देखते हैं डायनेमिकली डेटा भी नजर आ रहा है और पिक्चर भी चेंज हो रही है। यहाँ पर आया मैंने एडवेंचर किया, डायनेमिक डेटा भी नजर आ रहा है और पिक्चर भी चेंज हो रही है। अब नीचे देखो कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो बता रहा है ये मार्क और जैकब, और इसको सेलेक्ट करता हूँ तो मार्क ऑफ जैकब। तो तीनों चीजें HTML, CSS और JavaScript, जब आपके पेज में तीनों चीजें नजर आती हैं तो फिर आपका एक कंप्लीट वेब पेज होता है। भाई क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गई बात आपको? हाँ भाई, क्वेश्चन एकदम क्लियर है, ठीक है। तो इसमें HTML भी मौजूद है, इसमें JavaScript भी मौजूद है और इसके अंदर CSS भी मौजूद है। अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ मैं स्पेक्ट एलिमेंट, तो स्पेक्ट एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग भी इस्तेमाल करो। देखो ये जो नजर आ रही है ना HTML से HTML लिखी हुई, दैट इज द स्ट्रक्चर, दैट इज अ HTML टैग्स। अब इसके अंदर ये जो H1 हेडिंग नजर आ रही है, दैट इज H1 हेडिंग, ये सिंपल टैग है। किसका टैग है? HTML का टैग है। उसके बाद मैंने कुछ क्लासेस यूज किए जैसे जंबोट्रॉन, ये क्लास किसकी है? ये CSS की क्लास है। उसके बाद देखो स्क्रिप्ट के अंदर मैंने JavaScript का कोड लिखा, ये कोई मुश्किल कोड नहीं है, ये इससे अच्छा कोड आप लोग लिख सकते हो जब आपको सारी चीजें आ जाएंगी और आप सही तरह से मेहनत करोगे, ठीक है। तो जिसके जरिए डायनेमिक स्ट्रक्चर जो है मैं यहाँ तैयार कर रहा हूँ। क्लियर है भाई? समझ में आ गई बात? डन है भाई? आगे बढ़े। अगला सवाल मेरा फौरन आपसे होता है, जो मैं आपसे करना चाहूंगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कि आप काइंडली मुझे ये बताएंगे कि एक वेबसाइट के ऊपर आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही होती हैं, क्या क्या कंटेंट आपको नजर आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या चीजें आपको नजर आ रही होती हैं HTML के हवाले से? टेक्स्ट नजर आता है आपको? हेडिंग्स वगैरह और लिस्ट नजर आता है आपको? करैक्टराइज करें, देखें करैक्टराइज करें, लिस्ट नजर आता है आपको? लिंक्स नजर लिंक्स नजर आते हैं? उसके बाद इमेजेस नजर आते हैं? उसके बाद क्या नजर आता है? टेबल्स नजर आते हैं? उसके बाद फॉर्म नजर आते हैं? उसके बाद वीडियोस नजर आते हैं? उसके बाद आपके पास ऑडियो भी आ जाती है? उसके बाद आपको कोई फ्लैश फाइल भी लगा लिया आपने, है ना? ये सारे के सारे वो एट्रीब्यूट्स हैं, वो फीचर्स हैं जो आपको एक वेब पेज पे नजर आते हैं, है ना? और ऑब्वियसली स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करने के लिए वेब पेज का इनकी जरूरत पड़ती है। क्लियर है भाई यहाँ तक आपको बात मेरी? है इन सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। चले जी आगे बात करते हैं। अगर जरूरत पड़ती है स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए, तो अगर मैं टेक्स्ट देखूं तो टेक्स्ट मुझे दो तरह का नजर आता है वेब पेज पे। एक आती नजर हेडिंग और एक मुझे नजर आता है बिल्कुल पैराग्राफ। ठीक है, बेहतरीन हो गया भाई। तो एक हेडिंग नजर आ गई और एक मुझे पैराग्राफ नजर आ गया। उसके बाद अगर मैं लिस्ट पे आऊं तो लिस्ट मुझे नजर आती है, तीन तरह की लिस्ट नजर आती है। एक मुझे नजर आती है ऑर्डर लिस्ट नजर आती है, अनऑर्डर लिस्ट नजर आती है, और एक आपके पास डिटेल लिस्ट नजर आती है, डिटेल लिस्ट नजर आती है। ठीक है, अगर मैं लिंक्स पे जाऊं तो आपके पास क्या नजर आते हैं? मुझे हाइपरलिंक्स नजर आते हैं, हाइपरलिंक्स नजर आते हैं। अगर मैं इमेजेस की तरफ जाऊं तो मुझे इमेजेस ही नजर आती हैं, जो पिक्चर्स होती हैं, एक्चुअली दे आर कॉल्ड पिक्चर्स। मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्लासेस को जी और एक साथ करूं। अगर मैं टेबल पे जाऊं तो मुझे टेबल नजर आता है, और टेबल में क्या चीजें मौजूद होती हैं? रोज एंड फॉर्म देखूं तो मुझे इस पे कंट्रोल्स नजर आते हैं,
क्या कहलाते हैं सारे के सारे, वेब कंट्रोल, वेब कंट्रोल नजर आते हैं, क्लियर है, वेब कंट्रोल। अब वेब कंट्रोल मेरे पेज पे कौन कौन से लगे हुए, देखें ये जो कंट्रोल है ना, इसको कहते हैं सिलेक्शन बॉक्स, ये एक तरह का सिलेक्शन बॉक्स मेरे पास लगा हुआ है, ठीक है, जिसके जरिए कंट्रोल वो एंटिटी है जिसके जरिए हम इनपुट देते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स हो गए, रेडियो बटन हो गए, बटन्स हो गए, सबमिट बटन्स हो गए, ये सारे के सारे कंट्रोल्स के अंदर आते हैं एचटीएमएल में। अगर मैं वीडियो की बात करूं तो ऑब्वियसली मूवीज वगैरह नजर आती है, शॉर्ट मूवीज नजर आती है, ऑडियो की बात करूं तो मुझे रेसिटेशन नजर आती है यानी किरात वगैरह, फ्लैश की बात करूं तो कोई मुझे एनिमेटेड वीडियो नजर आ जाती है, ठीक है। तो ये वो फीचर्स होते हैं जो मुझे वेब के ऊपर नजर आ रहे होते हैं, क्लियर है। अगर मैं टेक्स्ट लेना चाह रहा हूँ, हेडिंग्स, सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ मैं, हेडिंग्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आया मैं, इस पूरे को मैं बना रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि अगर एक तरह से समझ लें तावीज है आपके लिए कि अगर आपको ये पता आ रहा है यार इतनी मेहनत से लिखा था, ये बड़ा मसला है ना, अलग एट्रीब्यूट वो जनरेट कर देता है। बहरहाल दोबारा से मैं इसको लिख देता हूँ क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं किया था ना, वो इसलिए वो चला गया। अब मैं एक एक करके सबको अलग अलग डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सबसे पहले मैंने किसकी बात की थी, टेक्स्ट की, टेक्स्ट की और हेडिंग की, है ना। तो टेक्स्ट मैंने लिखा और मैंने क्या लिख दिया इसके अंदर, हेडिंग। अगर मैं हेडिंग कह रहा हूँ, हेडिंग, तो हेडिंग के लिए वो टैग यूज करते हैं हम H1 से लेकर H6 तक के टैग यूज करते हैं, ठीक है। तो H6 तक के हम टैग सारे यूज कर रहे होते हैं, H5 है लास्ट, H6 है, लगा के देख लेंगे, H5 तो मुझे ज़हन में। उसके बाद यहाँ पर आया मैं, किसकी बात की हमने, पैराग्राफ की, पैराग्राफ। जब मैं पैराग्राफ की बात करता हूँ तो पैराग्राफ के लिए हम P का टैग यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं अब एक काम करता हूँ, मैं ये वाली बातें समझ में आ गई ना, अब मैं फौरन, क्योंकि टाइम आज हमारा कम है 40 मिनट का है, उसको पूरा करता हूँ, क्लियर है भाई यहाँ तक, समझ में आ गई। yes, हमें HTML भी इस्तेमाल करनी है, हमें CSS भी देखनी है, हमें JavaScript भी देखनी है, सारी चीजें हमें देखनी है। अब मैं चलता हूँ सीधा कोड ब्लॉक की तरफ और ये सारी चीजें आपके जो है मौजूद होंगी वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो हमारी रिकॉर्ड हो रही है तो इसलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब भाई सबसे पहला काम आता है, जब भी कोई कोड हम लिखने जाते हैं तो हमें जिस चीज की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं IDE, ठीक है। वो क्या कहलाता है हमारा, IDE कहलाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो IDE जो आप यूज कर रहे हैं, जैसे मैं जो IDE यूज कर रहा हूँ वो आप भी यही यूज कर रहे होंगे, कोड भाई ये यूज कर रहे हैं, VS कोड यूज कर रहे हैं, तो मैं VS कोड यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपने पास, VS कोड आप लोग यूज कर रहे हैं तो VS कोड मैंने ओपन कर लिया। अब मैं VS कोड जब ओपन कर चुका हूँ तो एक काम मैं करता हूँ, ये पेज मेरा बना हुआ है इसको मैं रिमूव करता हूँ पहले, और कुछ बना हुआ है इसमें, मैंने VS कोड कमांड लाइन से खोला है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि इस तरह ना इसकी रूट डायरेक्टली सेट हो जाती है, मैं इंडेक्स करता हूँ कि बेसिकली मुझे किसकी ज़रूरत है, एक आदत इंडेक्स के पेज की, मैंने इंडेक्स लिखा index.html, ठीक है। अब ये बेसिक ब्लॉक आपको सबको पता है कि जो HTML है, सबको मैं एडमिट करा रहा हूँ भाई, आप लोगों के पास से पता नहीं क्यों पासवर्ड पूछ रहा, पूछना नहीं चाहिए उसे। तो मैंने HTML का टैग बनाया, मैं इसके स्नैपेट्स यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब है डॉक टाइप, ये HTML5 है। अगर मैं इसको हटा दूं, पेज पे नहीं लिखी हुई, तो इसका मतलब है HTML5 नहीं बल्कि HTML4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब है HTML5 है। अगर HTML5 में हम कोड करना चाहते हैं तो इसका लिखा होना जरूरी है और ये ब्राउजर अंडरस्टैंड करता है। ये हेडर है, हेड है, ये बॉडी है और ये हमारे पास HTML का टैग क्लोज है। HTML को लिखने का रूल ये कि इसमें दो तरह के टैग्स होते हैं, एक टैग्स होते हैं सेल्फ क्लोज्ड और एक टैग होते हैं जो कि बेसिकली स्टार्टिंग टैग होता है और एंडिंग टैग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान लिखना चाह रहा हूँ, मैंने लिखा पाकिस्तान, ठीक है, और मैंने लिखा आगे जिंदाबाद। अब यहाँ पर आके मैंने कहा यार इसको जरा मैं एग्जीक्यूट करके भी देख लूँ आउटपुट पे कि पाकिस्तान जिंदाबाद मुझे कैसा जो है वो आउटपुट दे रहा है। आया मैं अपने कोड के ऊपर और कहाँ पर है, यहाँ पर मौजूद है भाई। मैं अभी जरा विंडो सेट कर लूँ ताकि विंडोज आपको प्रॉपर नजर आ जाए। तो मैं इसको यहाँ पर सेट करने की कोशिश करता हूँ और अपने कोड को यहाँ लगाता हूँ, ठीक है जी। और इस एरिया को मैं थोड़ा सा कर देता हूँ बंद। भाई स्क्रीन सही नजर आ रही है, हैं? एक तरफ ब्राउजर और एक तरफ कोड सही नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। मैंने लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मैं सबसे पहले हेडिंग बनाना चाह रहा हूँ, तो स्टार्टिंग टैग होगा H1 का, मैंने इसको क्लोज किया। अब देखिए ये जो सेंटर है ना, इसके दरमियान का एरिया, दैट इज कॉल्ड द कंटेंट एरिया, ठीक है, कंटेंट एरिया। अगर मैं इसको ऐसे ही चला दूं कोड को, यहाँ पर सेव किया मैंने और यहाँ पर इसको, भाई चिप्स नहीं खाओ यार, मेरा भी दिल जा रहा है चिप्स खाने का। तो यहाँ पर आया मैं, आके मैंने इसको
पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया। अब देखें इसके ऊपर ये इम्पैक्ट आ गया। आपका काम है कि आपने सारी हेडिंग्स को वन बाय वन लगा के देखना है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आसान ही लगाना मेरे लिए, जल्दी जल्दी लगा देता हूँ। ये कौन सी हो जाएगी हेडिंग H2। तो यहाँ मैंने कहा भाई ये मेरी हेडिंग 2 हो गई, ठीक है। अगर मेरी हेडिंग H2 है ये, तो मैं इसको कह सकता हूँ भाई ये क्या है मेरी 3 है। तो 3 का आउटपुट देख लूंगा, मैं आउटपुट भी दिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी रहे। 3 हो गया। अगर मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर एक आउटपुट दिखा दिया मैंने, 4 कर देता हूँ इसको, मैं 4 कर दिया मैंने इसको। आ गया है मैंने इसको 5 कर दिया, तो ये 5 हो गया मेरे पास। आज मैं सारे टैग्स एक साथ जो है जितने भी हैं सारे कोशिश करूंगा। 5 है 5 है 6 लिख दिया है मैंने, 5 कर देता हूँ इसको मैं जल्दी जल्दी से। 5 मैंने इसको कर दिया, डन हो गया जी। जरा मैं आउटपुट यहाँ देखूँ। हाँ भाई क्या नजर आया, सारी हेडिंग्स में डिफरेंस है। 5 के बाद H6 नहीं होनी चाहिए भाई, 5 के बाद अगर H6 होगी तो मसला हो जाएगा। फातिमा बहुत देर से आई है। खैर तो ये मैंने सारी हेडिंग्स आपको बता दी, H1 से लेकर H5। ये कैसे टैग्स हैं, ऐसे टैग्स हैं जिनका एंडिंग टैग मौजूद होता है, तो उनके दरमियान का जो एरिया होता है वो कंटेंट एरिया होता है जिसके अंदर हमें डेटा लिखना होता है, ठीक है। कुछ टैग ऐसे होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल HR टैग क्या करता है, आउटपुट देख लेता हूँ मैं इसका। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता है। ये कैसा टैग है, इस टैग में और इस टैग में डिफरेंस है। ये टैग कैसा है, ऐसा टैग है जिसका एंडिंग टैग मौजूद है और इसके दरमियान में कंटेंट लिखा जाता है ताकि उसके ऊपर उसके जो इम्पैक्ट है वो अप्लाई हो जाए। और HR क्या करता है, सेल्फ क्लोज है, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ लाइन लगा दी है, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की थी आपसे लिस्ट की, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट की बात की थी। तो हम टैग देखते हैं भाई, जैसे मैंने लिखा UL, UL का मतलब है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। मैंने ऑर्डर लिस्ट लिख दिया, यू अनऑर्डर और ओ ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और इसके अंदर फिर ऑब्वियसली LI लगते हैं जो कि इसके लिस्ट आइटम कहलाते हैं। अब लिस्ट आइटम में मैंने कह दिया भाई चिप्स जो है ना अपना माइक बंद करके खाओ। LI होम कॉपी किया मैंने इसको, यहां मैंने लिखा कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पर आया मैं कॉन्टेक्ट अस के बाद मैंने इसका एक और काम किया, मैंने कहा भाई लिख दिया मैंने इसका अबाउट अस, और मैं यहाँ पर आया मैंने F5 दबाया तो ये मुझे कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस और कुछ चीजें नजर आ रही हैं। या फिर फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऑर्डर लिस्ट लिखा, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट हमें वहां जरूरत होती है जहां पर हमें ऑर्डर फॉलो नहीं करना होता, ठीक है। सॉरी अनऑर्डर लिस्ट की हमें जरूरत वहां होती है जहां हमें ऑर्डर फॉलो नहीं करना होता, ठीक है। जैसे अम्मी ने कहा बाजार से भाई ग्रोसरी आइटम लिया, अम्मी ने कहा लिखवाया भाई लक्स लिख लिया मैंने, लक्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, मिल्क पैक चाहिए, मिल्क पैक मैंने कह दिया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए भाई, थोड़ी सी आप जो है योगर्ट भी ले लीजिएगा। उसके बाद और क्या चाहिए, कुछ और चाहिए, हाँ भाई उसके बाद एक काम यार और करना, मेडिसिन भी लेके आ जाना, सब्जी ले गई, ठीक है, वेजिटेबल्स भी ले गई, वो तुम लगा लेना यहाँ पर आके। तो दिस इज डजंट अ मैटर ऑफ द ऑर्डर के पहले आप क्या परचेज करोगे, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप खाने की तरकीब बना रहे हो तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मिल्क शेक है, मिल्क शेक रेसिपी है, मिल्क शेक रेसिपी आप लिखने जा रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास फ्रूट होना चाहिए, ठीक है। फ्रूट के बाद क्या होना चाहिए, आपके पास मिल्क होना चाहिए। ये तो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके लिए ऑर्डर लिस्ट की जरूरत नहीं है, मिल्क होना चाहिए चले अभी। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, शुगर होनी चाहिए ना। उसके बाद आपने क्या करना है, ग्राइंडर पहले चलाएंगे या आप उसके बाद क्या करना है, मशीन को यूज करना है ना, ऐसे ही बाद में आप मशीन यूज करेंगे। इसको थोड़ा सा और आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि आज मेरा काम ही है कि मैं आपको रेसिपी बनाने के लिए दूं। तो इसको आके मैंने चेक किया तो ये देखिए ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, पहले ऐसा ही करना है, इज मैंडेटरी। तो जहां पर ऑर्डर लिस्ट यूज करनी है वहां आप ऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे, जहां आपको अनऑर्डर लिस्ट यूज करनी है वहां पर आप अनऑर्डर लिस्ट को यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने जो चीजें रिपीट की है मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने रिपीट किया है हेडिंग को, ठीक है। हेडिंग टैग कैसे काम करता है, अरे पैराग्राफ रह गया, पैराग्राफ भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने उसके बाद आपसे कहा कि भाई हमारे पास लिस्ट की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि हमारे पास जो लिस्ट की टाइप होती है वो ऑर्डर होती है, या हमारे पास अनऑर्डर होती है, या हमारे पास वो डिटेल लिस्ट होती है HTML की जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैंने आपसे दो लिस्टों की बात की, मैंने ऐसे कहा कि अगर आप ऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो ऑर्डर लिस्ट की कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता, जहाँ पर ऑर्डर मैटर मुझे
नहीं करता, वहां पर मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, ऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल करूंगा, और जहां पर मुझे ऑर्डर मैटर करता है, सॉरी जहां पर मैटर नहीं करता है वहां अनऑर्डर लिस्ट, और जहां मैटर करता है वहां क्या यूज करूंगा मैं, ऑर्डर लिस्ट यूज करूंगा। तीसरी जो मेरी लिस्ट है वो डिटेल लिस्ट है, और डिटेल लिस्ट की खसूसियत ये है कि आपको ना ये डिस्क्रिप्शन और डिटेल ऑफ द आइटम आपको प्रोवाइड करती है। अब इस डिटेल लिस्ट को हम कैसे बनाते हैं, तो मैंने डीएल लिख के डीएल को मैंने क्लोज कर दिया, इसके दरमियान में आके मैंने डीटी लिखा, टाइटल जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं कॉफी, कॉफी, और जरा मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करके देखूं, दैट इज कॉफी। कॉफी लिखने के बाद अब मुझे इसके कुछ और एलिमेंट्स भी, एट्रीब्यूट भी इसके अंदर ऐड करने हैं टैग के साथ, ठीक है। तो मैं उन एट्रीब्यूट को टैग के साथ ऐड करने जा रहा हूँ, जैसे डी डी इसका एक एट्रीब्यूट है, डेटा डेटा कह लें एक तरह से आप, और इसके अंदर मैंने आके लिख दिया मिल्क, ठीक है जी। इसी तरह से मैंने और भी चीजें बना ली इसकी डिटेल में। सर ये D1 वाले को वापसी रिवाइज कर देना, मैं बता देता हूँ, ये D1 नहीं है, DL लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये DL, DL का मतलब है कि हम डिटेल लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो डिटेल लिस्ट होती है, उस डिटेल लिस्ट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, दो बेसिकली एट्रीब्यूट होते हैं, एक DT होता है एट्रीब्यूट, और एक हमारा क्या एट्रीब्यूट होता है, DD एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। DD जो है आपका डिटेल लिस्ट का जो डिटेल डेटा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो एट्रीब्यूट होते हैं, या मैं कहूँ व्हाइट कोल्ड कॉफी, या मैं यहाँ पर सर, जी बोले एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो आपने DL और DT और DD बताया, ये तीन जो टैग बताए सर, इसको थोड़ा सा आप डिटेल से सर डिफाइन करना सर। अच्छा भाई, कायदे आजम के मजमून में किसी ने आपसे कहा कि 14 निकात याद कर लो, उसमें क्या चीज ऐसी है जो डिटेल में बताना है। देखो आउटपुट पहले देखो फिर समझाता हूँ, बिल्कुल सही है। देखो DL एक HTML का टैग है, कैसा टैग है, एक अदर HTML का टैग है, ठीक है। अब HTML का जो टैग है उसके अंदर हम डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट समथिंग, अबाउट समथिंग से मुराद है जैसे कॉफी है, कॉफी के बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देनी है। अब मैं कॉफी के बारे में इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल कहाँ से उठा लूँ, मैं उठा लेता हूँ गूगल से, मैं आया आके मैंने गूगल से कहा कि भाई कॉफी, ओहो डबल एफ लिखना था, एक ही एफ लिख दिया मैंने, सर्च कर रहा है ये डेटा को मेरे, ठीक है भाई। अब कुछ ये डिटेल मुझे दे रहा है, ठीक है। अब ये कॉफी के बारे में कुछ डिटेल मुझे यहाँ से मिल गई, मैंने उठा के इसको यहाँ रख दिया, ठीक है जी। जब मैंने इसको उठा के यहाँ रख दिया, अब मैं जरा इसको रिफ्रेश करके देखूं, तो देखो इस बिकम अ पैराग्राफ, ये देख रहे हो इसमें, यहाँ पर इसको कहते हैं इंडेंडिंग, इसको कहते हैं इंडेंडिंग। मैं बताता हूँ आपको कि जब आप स्टाइलिंग करते हो ना, तो देखो ये जो एरिया, दिस एरिया, ये इतना एरिया देख रहे हो आप, ऑफसेट के साथ आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है स्टाइलिंग जब मैंने अप्लाई की कॉफी, तो उसकी देखो फर्दर डिटेल्स कॉफी के बारे में यहाँ आना शुरू हो गए। अब थोड़ा सा समझ में आया यार, क्या नाम है तुम्हारा, वकार, हाँ वकार, थोड़ा क्लियर हुआ, वकार थोड़ा क्लियर हुआ। देखो तीनों के स्टाइल अलग है ना। अब फॉर एग्जाम्पल तुम इनको नेस्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, नेस्टिंग से मुराद ये है कि जैसे यहाँ पर आया मैं इसी एरिया के अंदर रहते हुए, मैं थोड़ा सा इसको देखूं, मैंने फ्रूट नहीं यहाँ लिख दिया, मैंने कॉफी, बल्कि यार मैं कॉपी करता हूँ सीधा सीधा सा, उठाता हूँ इसको और इसके दरमियान में यूज कर लेता हूँ। तो मैक्सिमम वे कि आप किस तरह से अपने ऑब्जेक्ट को अच्छे अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हो, अब देखो अब समझ में आया कुछ, बनाते हो टेबल ऑफ कंटेंट, बनाते हो बुक के अंदर, जी जी सर, वर्ड में ना, एक कोई टॉपिक लिया उसके बारे में लिखना ना, हाँ एग्जैक्टली, एक टॉपिक लिया, एक हेडिंग ली, और उसके बारे में फर्दर डिटेल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, डिटेल लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं भाई, क्लियर है। पैराग्राफ भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने पैराग्राफ लगाया नहीं, भूल गया, बता दिया करो, या कोई बात नहीं, देर से याद आया, अच्छा आया, मैं इस पैराग्राफ को भी यहाँ पर लगा देता हूँ, सॉरी पैराग्राफ को मैं यहाँ लगा देता हूँ, मैं आया यहाँ पर और मैंने पैराग्राफ लगाया, और अब आउटपुट देखूं पैराग्राफ का, ठीक है। तो देखो पैराग्राफ, ये जो टैग्स हमने अभी स्टडी किया उनको देख लेते हैं हम, जो जो टैग मैं यहाँ स्टडी करा चुका हूँ, हेडिंग्स, पैराग्राफ, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिटेल लिस्ट। इमेज भी देख लेते हैं यार, इमेज का टैग बहुत सिंपल सा टैग है, IMG टैग है, इसका ये एट्रीब्यूट कहलाता है, क्या कहलाता है ये, एट्रीब्यूट, ये टैग का नाम होता है, और ये क्या होता है, एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी, याद रहेगा हर टैग के पास ये प्रॉपर्टी मौजूद होती है, ऐसी बात नहीं है, बस अकॉर्डिंगली उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो ये SRC, SRC का मतलब होता है सोर्स। अब सोर्स क्या है, देखो भाई इस सोर्स को समझाने के लिए मैं दो चीजें आपके सामने रखता हूँ, जैसे इस वक्त जो इसका जो फोल्डर है ना, ये कहलाता है इसका रूट फोल्डर, कि जहां पर ये पेज भी मौजूद है, जहां पर
कोई इमेज भी मौजूद है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली इमेज बनाई हुई है वन, और मैं इसके साथ ही रख देता हूँ। देखो सेम प्लेस पे है ना, अब सेम प्लेस पे मौजूद है। अगर ये सेम प्लेस पे मौजूद है तो मुझे इसे यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल सा काम करूंगा, वन डॉट जे पी जी। देखो ये इसका नाम है इमेज का, कैसे पता मुझे इसका नाम है, क्योंकि मैंने रखी है, देखो वन डॉट जे पी जी नजर आ रहा है भाई, वन डॉट जे पी जी मैंने इमेज लगा दी। अब यहाँ पर आके मैंने F5 दबाया तो देखो इमेज मेरी नीचे डिस्प्ले हो गई, मेरी इमेज नीचे डिस्प्ले होना शुरू हो गई। मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ, इसको कुछ और चीजें बता दूं ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो, आप घर पे काम करो। अब आपने करना क्या है, आपने कोई रेसिपी बनानी है कि जैसे कि मैं अभी कहता हूँ आपसे, ऑरेंज जूस रेसिपी। अब यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी आ रही है, मैं कुछ ऐसी देखता हूँ कि जो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे देख सकूँ, जिसमें सारी चीजें आपने अच्छे अंदाज में मुझे प्रेजेंट करके दिखानी है। थोड़ा सा पीछे जाता हूँ क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टैग्स हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताए हैं। इमेजेस में देखूँ कोई आ रही हो मेरे पास अच्छी सी, इमेजेस तो अच्छी मिल रही है। चले मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपके सामने, ठीक है, जो आपने काम करना है। पेज पे मैं वापस आ गया। आपने अब आपने जो स्ट्रक्चर बनाना है मुझे, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने बेसिकली मुझे असाइनमेंट के तौर पे क्या बना के देना है, ठीक है भाई। आपका पेज, आपका पेज होगा इस तरह से, ये मैंने बनाया, ये पूरा पेज है, ठीक है। इसके टॉप के ऊपर ये जो एरिया होगा ना, मैं अगर कहूँ ये वाला एरिया टॉप का, टॉप वाला एरिया, दिस इज अ टॉप एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ पर आपने बनानी है हेडिंग, ठीक है। ये एरिया किसका, आपका हेडिंग का एरिया। यहाँ पर आया, आने के बाद यहाँ पर आपने लगानी है इमेज इस जगह पे, यहाँ पर आपने लगा देनी है इमेज, ठीक है। और ये जो इसके बाद वाला एरिया यहाँ पर नजर आ रहा है इसके नीचे, इसके नीचे आपने पूरा प्रोसीजर लिखना है कि किस तरह से ये काम कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। इसके बराबर में, बिल्कुल बराबर में कोशिश करिएगा कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं वो इस्तेमाल करके वो आप लिख सकें। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, यहाँ पर हो गई हेडिंग, यहाँ पर आया मैं तो यहाँ पर आके मुझे क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। यहाँ पर आके मैंने कहा भाई यहाँ पर IMG आपने लगाना है, इमेज IMG। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आके आपको क्या लिखना है, उसके जो भी उसके डेटा, रिलेटेड डेटा जो आपको समझ में आया, और यहाँ पर आपने जो है उसका मेथड लिखना है, ठीक है जी, रेसिपी का मेथड आपने लिखना है। इस तरह से आपने डिजाइन करना है, ठीक है, पेज को। अगर आप लोगों का दिल चाह रहा हो कलर की टाइप्स वगैरह चेंज करने का, तो वो मैं चेंज करना थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि आप किस तरह से इसकी टाइप्स को चेंज कर सकते हैं। थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी साथ कर लीजिएगा ताकि थोड़ा सा दिल लग जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हटा रहा हूँ भाई, मैं जो मैंने असाइनमेंट दिया, क्लियर कर रहा हूँ असाइनमेंट को, यहाँ से ये मैंने इसको कर दिया, यहाँ से क्लियर असाइनमेंट हो गया मेरा क्लियर, ठीक है जी, डन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टाइलिंग, अब हर टैग के साथ एक टैग मौजूद होता है, दैट इज द स्टाइल टैग। ये मैं CSS अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ प्रॉपर्टीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं। मैं इसमें कलर प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ अभी, सिर्फ COLOR कलर, कॉलन लगा के मैंने इसको कर दिया रेड। क्या होगा, ये किस पे इम्पैक्ट डालेगी, आपके पास प्रॉपर्टी, इसको इम्पैक्ट डालना चाहिए कलर के ऊपर, स्टाइल क्यों नहीं दे रहा भाई, रूल वैसे ना, पिस आके जा रहा है, एक मिनट भाई, आपको सही नजर आ रहा है, स्टाइल H1 स्टाइल कलर, मैंने इसका स्टाइल कर दिया कलर, इसको थोड़ा चेक करूं मैं, कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे, स्टाइल कलर COLOR कलर रेड यहाँ अप्लाई हो रहा है, इसको ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए भाई, ये दोनों जगह ही अप्लाई होता है, ऐसी बात नहीं है कि एक जगह अप्लाई होता हूँ, ठीक है। शायद कोई
प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो रूल बेस है, एक तरफ प्रॉपर्टी और एक तरफ उसका स्टाइल है। देखें वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, बहरहाल तो एक तरफ रूल है और एक तरफ स्टाइल है। तो कलर प्रॉपर्टी ये आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर ये बॉडी है तो बॉडी का स्टाइल लगा के देख लेते हैं। तो इसका बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड कलर, एक मिनट में पूरा कर दूं, ग्रे, ग्रे से मैं गोल्ड कर देता हूं। जी बोले हम, ग्रे हो गया सर। वो भी अप्लाई हो रहा था दरअसल, वो जो है ना आपकी फर्स्ट हेडिंग आपने स्क्रॉल डाउन किया हुआ था इसलिए वो फर्स्ट हेडिंग टॉप पे थी। सर जो आपने फर्स्ट जो आपने जिस पे अप्लाई किया था कलर सर हेडिंग 1 पे सर वो भी उस पे अप्लाई हुआ था, क्योंकि जो आपकी स्क्रॉल डाउन करके आपने इसको नीचे किया हुआ था इसकी वो ऊपर जो है ना रिफ्रेश करके ऊपर जा रहा था ब्राउजर। ठीक है भाई, बेहतरीन। वो जो आपकी हेडिंग थी सर वो टॉप पे थी, वो हेडिंग आपको शो नहीं हो रही थी इस पेज पे जो आपने डेटा। अच्छा आप कह रहे हैं कि मेरा जो है ना स्क्रॉल डाउन ही हुआ था नीचे, है ना? वो देखो मैंने इसके ऊपर किया हुआ था अप्लाई, है ना? जी जी, इस पे किया तो इसलिए शो नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा ही होता। यही है, बिल्कुल बेहतरीन यार, अच्छी ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी, तो बिल्कुल सही है। वो नीचे था मेरा तो वो अप्लाई तो हो रहा था लेकिन मैंने स्क्रॉल डाउन किया हुआ था तो वो 1 पे हो रहा था, मैं 2 की हेडिंग को देख रहा था। ठीक है, और मैं टाइम को भी देख रहा था, 3:49 रह गए। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब यहाँ पर आके मैं स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग को। ये जो इस वक्त मेरे पास पूरा का पूरा मैंने इस वक्त जो असाइनमेंट एक तैयार किया है, मैं इसको जरा सा देख लूँ। ये इसका आउटपुट है, ये इसका कोड है, मैं इसको भी आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको मैं दोबारा से लेता हूँ प्रिंट, पूरा नहीं आया मेरे पास। कंट्रोल प्रिंट एफ, कंट्रोल वी, और इसको मैं ये, ठीक है जी, ये पूरा का पूरा मैंने आपको असाइनमेंट अपना जो है वो शो करा दिया है। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है वो मैं आपको यहाँ से निकाल के दे देता हूँ। दोबारा बनाना पड़ेगा यार, सॉरी। कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन, पेंट, कंट्रोल वी, कंट्रोल सेव, और मैंने कहा कोड, इसके मैं कोड भी आपसे शेयर कर दूंगा 01। ठीक है जी, तो कुछ डेटा जो है मेरे पास वो मैं सारा डेटा आपको क्या कर दूंगा, शेयर करा दूंगा स्क्रीन के साथ, ताकि आप लोग उसकी अच्छी तरह से क्या कर सके, प्रैक्टिस वगैरह कर सकें। क्लियर है भाई यहाँ तक? मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग को एंड कर रहा हूँ, 2 मिनट तक मैं अभी आपके साथ अवेलेबल हूँ, सिर्फ मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ। ठीक।